के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा, लाभार्थियों से हुए रूबरू। रेलवे के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने गोरखपुरी संवाददाता से बातचीत करने के दौरान कहा कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कई नई ट्रेनें चलाने की है योजना। गोरखनाथ पुलिस के हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी बदमाश, एसपी सिटी ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी बैठक, डीएम ने कहा समय के पहले और आईडी के साथ आए केंद्रों पर परीक्षार्थी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर हो रहा है उछाल। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने रेलवे स्टेशन परिसर और वहां की व्यवस्थाओं का किया औचक निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। भाजपा ने वार्ड नंबर 14 गायत्री नगर में लगाई चौपाल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लोगों से की मुलाकात, सुनी समस्याएं। नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल ने बीपीए धारकों को जूस पिलाकर उनके आंदोलन को कराया समाप्त, उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाकर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई एयरफोर्स सुरक्षा की समीक्षा बैठक, सुरक्षा के विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। आशा बहु कार्यकर्तियों ने दिखाई ताकत, नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की दी है चेतावनी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कुष्ठाश्रम सेवा समिति की बैठक, अक्षय पात्र योजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर बहनी सहमति, डीएम ने कर्मचारियों का वेतन किया दुगना। और रमजान माह के तीसरे जुमे को मस्जिदों में नमाजियों ने अदा की नमाज की इबादत।